सुप्रभात दोस्तों, नवरात्रि के पंचम दिवस पर माँ स्कंदमाता को नमन करते हुए आपको इस पावन अवसर की ढेरों बधाइयाँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो खास नवरात्रि के 9 रंगों पर आधारित है। आज मुझे मेरे शिक्षक श्री पीएन झा की कही एक बात याद आ रही है। वे कहते थे बच्चों कि जैसे नमक के बिना भोजन रसहीन होता है, स्वादहीन होता है, ठीक उसी प्रकार रंगों के बगैर हम सबका जीवन बेरंग, रंगहीन और नीरस होता है। रंग जीवन में खुशियाँ, ऊर्जा और उत्साहवर्धन करते हैं। तो आइए दोस्तों, देवी के विभिन्न रूप एवं उससे जुड़े रंगों की विशेषता देखते हैं। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जिन्हें चमेली का पुष्प अति प्रिय है। वह पीला रंग इस दिन विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, पीला रंग हमारे जीवन में चमक एवं खुशियों का प्रतीक है। द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है तथा इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। हरा रंग दोस्तों हमारे अंदर ऊर्जा का सिंचन करता है एवं जीवन में विकास को अग्रसर करता है। तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा को समर्पित, देवी इस दिन ग्रे रंग पसंद करती है। दोस्तों, ग्रे रंग बुराई को नष्ट करने में हमारा उत्साह बढ़ाता है। चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा को समर्पित, हास्य की देवी को समर्पित। इस दिन दोस्तों नारंगी रंग का विशेष महत्व है, जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सिंचन करता है। पंचम दिवस माँ स्कंदमाता को समर्पित, साथ ही कार्तिकेय की पूजा को भी समर्पित। इस दिन श्वेत रंग का विशेष महत्व है, जो हमारे अंदर पवित्रता, शुचिता और शांति को लाता है। षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी को समर्पित, माँ भद्रकाली की निर्भयता को समर्पित। इस दिन दोस्तों लाल रंग का विशेष महत्व है, जो शत्रुओं का शमन करता है। अष्टमी माँ कालरात्रि को समर्पित, इस दिन नीले रंग का विशेष महत्व है, जो असुरों एवं मनुष्य के भीतर विद्यमान आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करता है। अंततः नवमी का दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित, जो हमारे जीवन के हर कार्य को सिद्ध करती है। बैंगनी रंग का विशेष महत्व, जो हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। अंततः कहना चाहूँगी कि दोस्तों, आप सबके जीवन में माँ इसी प्रकार विभिन्न रंगों के सुख प्रदान कर आपका कल्याण करती रहे। जय माता दी। शुक्रिया दोस्तों, अलविदा। फिर मिलेंगे नए अंदाज के साथ, नई बात के साथ।